7.6 यू इंटू वी, 7.6 u into v हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बस एक ही फॉर्मूला को दिमाग में रखना है, आपका चैप्टर इंटीग्रेशन जो स्टार्ट किए थे 7.1 से स्टार्ट किए थे और आज हम 7.6 में है, ये हमारा समझो लास्ट ही है। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन खुद से कहीं से कैसा भी इंटीग्रेशन बना लेना है। चलिए इंटीग्रेशन में हम बताते हैं u into v, ये dx, ये फॉर्मूला होगा u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बंद, बाहर में dx। जहां तक हमको पता है यही फॉर्मूला होता है, गलत होगा तो सुधार दीजिएगा आप लोग, हमको नहीं लगता गलत है। u into v दो टर्म होगा, उसमें u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, बीच में माइनस इंटीग्रेशन का साइन du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, कर्ली ब्रैकेट दोनों साइड से बंद और dx, यही होता है भाई पार्ट नहीं, u इंटू वी बोलते हैं, u इंटू वी बाय पार्ट, u इंटू वी, u इंटू वी का मतलब इंटीग्रेशन करना है। एक सिंपल सा रूल बताएंगे, पहले एक रूल और लिख देते हैं, आई लेक, आई से होता है इनवर्स, एल से होता है लॉग, ए से होता है जेब्रा, टी से होता है ट्रिगो और ई से होता है एक्सपोनेंशियल। ये हमारे पास ये लाइन से लिखे आई लेक, I से इनवर्स, L से log, A से अलजेब्रा, T से ट्रिगो, E से एक्सपोनेंशियल। जो अभी ज्वाइन किए सुन लीजिएगा, U इंटू भी हम फॉर्मूला लगाते हैं और U उसको मानते हैं जो फर्स्ट में आता है। फर्स्ट करने का मतलब इस लाइन में जो फर्स्ट में आएगा, जो पहले आएगा उसको U मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको भी मानेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, x sin x, इसमें U किसको मानोगे, V किसको मानोगे, ये हमारा क्वेश्चन है x sin x। तुम बोलोगे भैया x का मतलब और sin x का मतलब, इसका मतलब a है, इसका मतलब t है, एलजेब्रा, x को एलजेब्रा बोला जाएगा, sin x, sin x ट्रिगो है, तो इस लाइन में a फर्स्ट में है और t बाद में है, तो जो a है उसको u मानेंगे और t को v मानेंगे। इस फॉर्मूला में इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, u बाहर मतलब x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, बीच में माइनस, बड़ा सा इंटीग्रेशन, यू का डिफरेंशिएशन मतलब डी एक्स बाय डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर में ही साइन एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे बाहर में डी एक्स। तो एक्स साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है माइनस साइन, माइनस है डी एक्स बाय डी एक्स वन होता है, साइन का माइनस कॉस एक्स और ब्रैकेट बंद और डी एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डी एक्स, अब यहाँ पर फाइनल आंसर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और लास्ट में प्लस सी। यू इंटू बी में ये फॉर्मूला याद रखना, आई लेट, आई लेट, आई से इनवर्स, एल से लॉग, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिगो, ई से एक्सपोनेंशियल। आई से इनवर्स, एल से लॉग, ए से अलजेब्रा, E से ट्रिगो, E से एक्सपोनेंशियल। ये जो आइलेट रूल है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को उठाओ, उसको नाम दो। नाम देने का मतलब है, उसमें नाम देने का मतलब ये है कि आपके पास अगर दो टर्म है, x sin x, x एलजेब्रा होगा और sin x ट्रिगो होगा। जो एलजेब्रा होगा उसको a बोलेंगे, जो ट्रिगो है उसको t बोलेंगे, और इस लाइन में a पहले है और t बाद में है, तो एलजेब्रा को एलजेब्रा को यू मानेंगे और साइन एक्स को भी मानेंगे। यू भी मानने के बाद ये फॉर्मूला लगेगा जिसमें एक्स बाहर होगा, इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स डी एक्स, बीच में माइनस का साइन, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर जो फॉर्मूला है लगा देंगे, फिर से उसको इंटीग्रेट कर देंगे। हम एक क्वेश्चन दिखाएं, समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल का क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है x log x, ये क्वेश्चन है x log x, तो दिख नहीं रहा होगा इसी के नीचे लिखते हैं, यहां लिखते हैं x log x। तो क्वेश्चन जब तुम देखोगे, रुक जाओ, जब क्वेश्चन देखोगे तुम x log x देख रहे हो, x का मतलब अलजेब्रा है, log x का मतलब l है, आई लेट में l पहले और a बाद में, मतलब इसको u मानोगे, इसको भी मानोगे, तो फॉर्मूला के हिसाब से log x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, बीच में माइनस, log का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ
एच डी एक्स, ये दोनों ब्रैकेट बंद बाहर में डी एक्स, ये हो गया। यहां से एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और लॉग एक्स, बीच में आपको माइनस है, लॉग का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा देख लीजिएगा, 1 बाई एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, ये बाहर में डी एक्स, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस 1 बाई टू एक्स डी एक्स। अब एक्स का फिर से इंटीग्रेशन कर लो तो फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू तो फोर प्लस सी, बस यही आंसर हो गया। बहुत लोग जानते हैं स्कूल स्कूल में हो चुका है इस कारण से। ये क्वेश्चन था एक, ये क्वेश्चन नंबर टू, जल्दी से जो नोट करना है नोट कीजिए, दो मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है, जो अभी जो जा रहा है इसलिए। वन इंटू लॉग एक्स है, इसमें एक को यू मानेंगे एक को भी मानेंगे, तो वन का मतलब है एलजेब्रा और लॉग एक्स तो लॉग एक्स है, क्योंकि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो इसको यू मानेंगे इसको भी, क्योंकि ए पहले नहीं है ये बाद में है, लॉग पहले है, इसके हिसाब से यू बाहर लॉग एक्स बाहर, इंटीग्रेशन वन का मतलब सीधे डी एक्स, बीच में माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल वन का दोनों साइड से कर दिए ब्रैकेट वन डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स log x माइनस log का डिफरेंशियल 1 बाय x, dx का इंटीग्रेशन x और बाहर में dx, dx x कट गया, x log x माइनस dx, तो x log x dx का इंटीग्रेशन x होगा, लास्ट में प्लस c लिख दीजिएगा, यही आंसर हो गया। हम एक क्वेश्चन बताएं, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाओ, जो बना सकता है जो बना सकता है जो बना सकता है, e पे पावर x sin x जो है बना सकता है, ये क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ, एक ही मीटिंग होगा, घबराना नहीं है, एक ही मीटिंग होगा, तीन बजे हम छुट्टी दे देंगे, तीन पांच तीन दस में, ठीक है, जिसका जिसका कहे, दो से तीन क्लास होता है, दो से तीन क्लास होता है तो हम कभी ऐसा होगा जो इधर उधर क्लास देंगे, लोड नहीं लेना है, जिसको लोड हो रहा है हमको बोलेगा, e पे पावर x sin x है, तो यहाँ पर u किसको मानेंगे, हम u मानेंगे त्रिभो वाले को, नाम से ही लग रहा है, और e पे पावर x को भी मानेंगे, तो फॉर्मूला के हिसाब से कौन बाहर होगा, sin x बाहर होगा, e पे पावर x dx, बीच में माइनस साइन, बड़ा सा इंटीग्रेशन d sin x by dx, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, e पे पावर x dx और ब्रैकेट बंद बाहर में dx, तो यहां से ex का इंटीग्रेशन ex होता है, बीच में माइनस, यहां पर साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है into ex dx, देखो फिर से आपको दो टर्म है, फिर से दो टर्म है, फिर से u into v लगाओ, ex sin x माइनस, यहां ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कौन बाहर, cos x बाहर, e पे पावर x dx, बीच में माइनस, cos का डिफरेंशिएशन e पे पावर x का इंटीग्रेशन ब्रैकेट बंद बाहर में dx और कर्ली ब्रैकेट बंद, यहां से ex sin x बीच में माइनस है, चलो माइनस दे देते हैं, यहां cos x, ex का इंटीग्रेशन ex, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, डिफरेंशिएशन ex, शुरुआत में सवाल यही था ex sin x, इसका नाम i रखे हो तो i बराबर ex sin x माइनस ex cos x माइनस i लिख सकते हैं, इसी i को इधर ले आओ तो i 2i, ex कॉमन ले लो sin x माइनस cos x और कांस्टेंट अपने बाद में लिख सकते हो, ex by 2 sin x माइनस cos x, लास्ट में प्लस c लिख लेना, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, I is equal to, यही आपका आंसर हो गया, इसको नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, जिसको जिसको नोट करना है कर लो, फिर से समझा देते हैं, हर क्वेश्चन में जो भी नहीं जैसे आप चाह रहे वैसे ही बनेगा, आप I नाम दे दिए, I नाम देने के बाद आपको ex और sin x है, एक को u मानना है एक को भी मानना है, आपको sin x को u मानना है इसको भी मानना है, रूल के हिसाब से आपके sin x बाहर e पे पावर x dx, बीच में माइनस साइन का डिफरेंशिएशन e पे पावर x का इंटीग्रेशन ex sin x माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x ex का इंटीग्रेशन, फिर से दो टर्म आया
जैसे फिर से दो टर्म आया आप फिर से यू इनटू बी लगाओगे तो कर्ली ब्रैकेट में कॉस बार एक्स माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन एक्स का इंटीग्रेशन फिर से आपको वही साइन एक्स एक्स इसी को आई बोलते हो ये माइनस आई इधर आ जाएगा तो टू आई तो आई का वैल्यू ई एक्स बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये हमारा क्वेश्चन बन गया जो बना लिए अच्छा है हम देखो आज दो ही तीन क्वेश्चन बता रहे हैं उसे आपका 7.6 सारा बन जाएगा अगर बनाओगे तो नहीं बनाओगे तो हम कुछ नहीं कर सकते ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये देखिए x sin inverse x ये क्वेश्चन है हम सब क्वेश्चन बता रहे हैं x sin inverse x dx जो बना सकते हैं जल्दी से बनाइएगा तब तक हम लोग चलिए देखिएगा इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे sin inverse x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx बीच में माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन sin inverse x dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx ब्रैकेट बंद बाहर में dx x स्क्वायर बाय 2 sin inverse x माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 और dx यहां एक मिनट रुक जाओ और सोचो इसमें दो तरीका से सिखाएंगे हम लेकिन आज जो सिखा रहे हैं सीधे फार्मूला जो याद करवाए उससे sin inverse x माइनस को अंदर ले जाओ माइनस को अंदर माइनस x स्क्वायर होगा बाहर 1 बाई 2 होगा और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है रूट में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो जानबूझ के यहाँ 1 लिख दो अगर 1 माइनस है तो माइनस 1 कर दो और dx लिख दो परेशान मत हो अब कुछ नहीं किए हैं माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स और यहाँ से ये जब ये और ये जब डिवाइड में जाएगा प्लस करके 1 बाई 2 ये बटा ये रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 dx बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 sin inverse x प्लस 1 बाई 2 ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद नहीं करवाए हैं रूट अंडर जो लिख देते हैं ये भी एक फॉर्मूला है जो 7.7 में आएगा इसके जस्ट बाद में आएगा इसका फॉर्मूला है x बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin inverse x बाय a ये फार्मूला है जिनको नहीं पता है जान लो ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 7.7 में तीन फार्मूला है जिसमें पहला फार्मूला ये है x बाय 2 यहां से x बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 sin inverse x और बीच में माइनस हाफ ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बस यही आंसर है किसी को मन है तो मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से 1 बाई 4 यहाँ से 1 बाई 2 कैंसिल कर लो तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई 4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 आंसर ना मिले परेशान ना होना क्योंकि यही है थोड़ा मोड़ा प्लस माइनस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा हम कहीं से कुछ नियम नहीं लगाए एक फॉर्मूला है 7.7 में जिस तरह 7.4 में तीन फॉर्मूला नहीं छह फॉर्मूला होता था 7.7 में ये आपका तीन फॉर्मूला ऐसा दिखेगा पहला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जिसका वैल्यू है एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए ये फॉर्मूला दिखेगा 7.7 जल्दी से इसको जो नोट करना है कर लीजिए नहीं तो रिकॉर्डिंग है आप पांच बार देखिएगा इसका लास्ट टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू ईएक्स इफेक्ट देगा अगर आपको समझने आए समझ लीजिए जैसे एक क्वेश्चन दे देते ईएक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आप इसमें देखते और तुरंत बोलते कि भैया अगर ये एफएक्स है साइन एक्स को एफएक्स मानेंगे इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे कॉस एक्स आएगा मतलब ये फार्मूला पे है बिना बनाए तुम इसका आंसर बोल सकता है ईएक्स साइन एक्स प्लस सी और तुमको हम इस फार्मूला को पहले डिराइव कर देते हैं तुमको समझ में आए आ जाओ ये क्वेश्चन में ई एक्स एफ एक्स डी एक्स बीच में प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स तो हम बोलना चाहते हैं बार वाले से कोई मतलब नहीं है इस वाले में इसको यू मानो और इसको भी मानो लेकिन तुम जान लो आई लेट सबसे लास्ट में ई होता है
इसको v मानोगे, इसको u मानोगे। fx का मतलब sin x cos x कुछ भी हो सकता है। यहां से fx बाहर फॉर्मूला पढ़े हो, e पे पावर x dx, बीच में माइनस u इनटू v लगा रहे, बड़ा सा इंटीग्रेशन, f को डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx और ब्रैकेट बंद बाहर में dx, और ये पहले से प्लस ex f'x dx है। देखो ex fx माइनस ex f'x dx प्लस ex f'x dx, ये माइनस और ये प्लस आपस में कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया ex fx, और लास्ट में प्लस ही जरूर लिखिएगा। सुन लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, हम समझा देते हैं। हमारे पास जब भी इस फॉर्मेट में सवाल रहे, तो इसमें एक fx है और दूसरा उसी का डिफरेंशिएशन है, तो हम दिखाना चाह रहे हैं ये ex दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म है उसको छोड़ दीजिए, इसमें u into v लगाइए। जब u into v लगाइएगा, एक माइनस होगा और जो बाद में छोड़ा होगा वो प्लस में होगा, दोनों सेम वैल्यू होगा और कैंसिल हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन था जो आप देखे, ये एग्जाम्पल और देते हैं, ex 1/x - 1/x2, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तुम तुरंत बोलोगे भैया ये सब तो सजा हुआ है, fx का वैल्यू 1/x और f का डिफरेंशिएशन करो, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x2, भैया ये फार्मूला में अरेंज है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हो ex * fx मतलब प्लस c, मतलब इसका आंसर होगा ex * 1/x + c। बस आपको हर क्वेश्चन को इस तरह से बनाने का जरूरत नहीं है। ये है 7.7 कौन सा, ये है 7.6, इसका इससे ज्यादा दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा। बस इसमें एक दो क्वेश्चन और बताएंगे, एक दो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बताएंगे, आपको समझ में आया तो ठीक है। ये u इंटू v नहीं लगाए, ऊपर वाला ये फॉर्मूला है, एक अगर फंक्शन है और दूसरा उसी का डिफरेंशिएशन है, इसका आंसर होगा ex fx + c, ex fx + c। और रिक्वेस्ट है इंटीग्रेशन को जितने बुक से बनाने का मन है बना लीजिएगा, बाद में हमको मत बोलिएगा कि भैया नहीं बताए थे।